महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप से भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। इस चैंपियनशिप में भारत ने आज तीसरा गोल्ड भी जीत लिया है। निखत जरीन ने आज ये गोल्ड मेडल जीता है। ये उनका दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने वियतनाम की खिलाड़ी को हराया। 50 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। और अब एक और मैच है भारत का गोल्ड के लिए, लवलीना उसमें उतरेंगी। 75 किलोग्राम वर्ग में वो मुकाबला करेंगी, उनसे भी भारत को एक स्वर्ण की उम्मीद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विमल मोहन है। विमल, कितनी बड़ी कामयाबी है निखत के लिए? निखत दूसरी बार गोल्ड जीती है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। देखिए, बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि जैसे अभी निखत से ही बातचीत हो रही है, तो मैं उनका पहला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था उसे वर्ल्ड चैंपियन बनी, लेकिन ये जो दूसरा अभी जीता है उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में, इसका मतलब है कि ओलंपिक वेट कैटेगरी में जीता। और अगला जो सब कोई भी इंडिया में हो बॉक्सर, वर्ल्ड में कहीं भी हो, उन सबका एम जाहिर तौर पर होता है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। तो उसके लिए जो पहली सीढ़ी होती है, आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं, अब आपको इस वेट कैटेगरी में, मतलब जो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी है, जो ओलंपिक की वेट कैटेगरी है, उसमें जितने भी बॉक्सर्स होंगे वर्ल्ड में, वो उसको बहुत सीरियसली लेंगे। 50 किलोग्राम वर्ग में इससे पहले निखत ने कॉमनवेल्थ में भी जीता था गोल्ड मेडल, लेकिन कॉमनवेल्थ बहुत बड़ा टूर्नामेंट बॉक्सिंग के लिहाज से, इसलिए नहीं कह सकते हैं वर्ल्ड जितना बड़ी बात है, लेकिन वहां पे इंग्लैंड या आयरलैंड जैसे एक दो कंट्री को छोड़ दे तो बहुत स्ट्रांग फील्ड नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रांग फील्ड है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप जीते हैं। इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीता है, तो बॉक्सिंग का जो एक ब्रांड है, जो मैरीकॉम जो लेगेसी छोड़ के गई है, वो एक कह सकते हैं कि एक अच्छा बेंच है इंडिया के पास। और अच्छा हम जीत रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 कंट्री है, चाइना और इंडिया, जिनके 4-4 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे हैं, और इंडिया ने 3 गोल्ड जीत लिया है। चाइना ने अब तक 2 जीता था, अगर अभी आज के अगले मुकाबले में अगर होगा तो मतलब बराबरी कर सकते हैं आप, और चाइना एक मैच हार चुका है, तो आप सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली कंट्री आप यहाँ पे रहेंगे। ये अपने आप में भारतीय बॉक्सिंग ब्रांड के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले मैरीकॉम के बिना भारतीय बॉक्सिंग का नाम लेना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब ये है एक लिगेसी है। जैसे सचिन तेंदुलकर चले गए तो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज है, और निखत जरीन इस वक्त बोल रही है। विमल, मैं आपको रोकूंगा। हमारे सहयोगी विमल हमारे साथ हैं, आवाज अभी साफ नहीं आ रही। निखत जरीन का ये बड़ा मुकाबला, एक बड़ी कामयाबी उन्होंने अपने खाते में और डाली है। दूसरा एक तरह से गोल्ड है उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और एक बड़ी मुक्केबाज बनकर उभरी है मैरीकॉम के बाद। अगला जो मुकाबला है विमल, वो भी काफी उम्मीद से देखा जा रहा है। लवलीना का मुकाबला है 75 किलोग्राम श्रेणी में। कितनी उम्मीदें हैं लवलीना से, और उनका जो मुकाबला जिन खिलाड़ी से है वो कितने मजबूत हैं? देखिए, मैं लवलीना को जितने समय से फॉलो करता रहा हूँ, यूथ चैंपियनशिप में गया था जब वो यूथ टूर्नामेंट खेली थी गुवाहाटी में 2017 में, और उस समय वो जिस फॉर्म में दिखती थी वो एक कॉन्फिडेंस था, और लेकिन उसके बाद ओलंपिक जीता उन्होंने और एक अपनी पहचान अलग से बनाई, लेकिन उनके बाद उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत टॉप की तरफ रहा है। कॉमनवेल्थ में वो नहीं जीत सकी, वहाँ कई सारे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो हार गई, लेकिन ये टूर्नामेंट में मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ खिलाड़ी के तौर पे उनको काउंट किया जाए तो उतना फोकस खिलाड़ी देखना किसी भी गेम में, मैं सिर्फ बॉक्सिंग की बात नहीं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, क्रिकेट, किसी भी खेल में कहें तो जो टॉप लेवल का जो फोकस होता है वो लवलीना में बात करने की, जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है क्या होगा ये कहना मतलब एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट के नाते बहुत सही नहीं होता है, लेकिन ऑफकोर्स इनका पलड़ा भारी है, जीत की उम्मीद है, लेकिन जिस फॉर्म में वो दिख रही है लवलीना और 75 किलोग्राम वर्ग में खेल रही है, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। और अगर वो जीतती हैं तो भारत के 4 मुक्केबाज जो हैं वो गोल्ड मेडल जीतते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए। और जो बॉक्सिंग का ब्रांड, जैसे हम थोड़ी देर पहले हम बातचीत कर रहे थे कि बॉक्सिंग अकेला स्पोर्ट है रेसलिंग के बाद जो कि 2008 से आपको लगातार मेडल दे रहा है, 2016 में ये मिस कर गए, ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो 2008 में जीते, 2012 में जीते, 2016 में मिस करके, लेकिन 2020 में, तो रेसलिंग आपके रेसलिंग की तरह सबसे कामयाब स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग है इंडिया में अगर कहें, और उस ब्रांड को इन्होंने आगे बढ़ाया है और एक एग्जांपल भी सेट किया। मैं नॉर्मली फेडरेशन की हम लोग तारीफ नहीं करते, लेकिन इस फेडरेशन ने तारीफ किया कि इन्होंने बेंच
बनाया है। आप 2017 में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, कई सारे अभी जितने प्लेयर्स आपके जीत रहे हैं वो यूथ चैंपियनशिप के, नीतू यूथ चैंपियनशिप में थी, साक्षी वहां पे थी, प्रीति वहीं से आई है, निखत उस समय इंजरी में थी, ये लवलीना वहीं से आई है। तो इस फेडरेशन ने इन्वेस्ट किया है और ये एक देखने वाली बात होगी कि बाकी कॉरपोरेट या बाकी जो फेडरेशन है वो इससे सबक लेते हैं कि नहीं। ये देखने बड़ी बात ये होती है कि स्पोर्ट्स जैसे जो वेंचर है उसमें आपको जेस्टेशन पीरियड थोड़ा लंबा होता है, 7-8 साल 12 साल, और तब आपको रिजल्ट जो आता है। जैसे अब अगर बॉक्सिंग फेडरेशन इस पे काम करे तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड बन सकता है। और स्पोर्ट्स बॉक्सिंग में अब देखिए 2008 में विजेंदर ने जीता भिवानी से, और उस समय 8 साल की थी नीतू जब ने उन्होंने देखा, और उसके बाद 12-15 साल के बाद वो आके वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत रहे हैं, भिवानी का नाम पूरे वर्ल्ड मैप पे ला रही है। तो उस लिहाज से देखें तो बॉक्सिंग के लिए, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये कामयाबी अभी जो आने वाली दो बड़े टूर्नामेंट है, एशियन गेम और ओलंपिक, वहां भी ये रिफ्लेक्ट करे। जी विमल, एक छोटा सवाल, मैरी कॉम के बाद निखत जरीन सबसे बड़ी पोस्टर गर्ल बनकर उभरी है भारतीय मुक्केबाजी की, क्या आप मानते हैं बात? देखिए ये तो ब्रांड की बात है, मैं तो निखत अच्छी दोस्त रही है, उनकी फैमिली से मैं ऐसे संबंध है, लेकिन जो इसमें जो एक मिसिंग लिंक है वो लवलीना का है। लवलीना का पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जरूर ट्रबल्ड रहा है, लेकिन वो अब ओलंपिक की बड़ी स्टार है, बड़ी मेडलिस्ट है, उसको हैंडल थोड़ा और बेहतर अगर किया जाता तो ये बड़ा ब्रांड को अब, मतलब मैं कम से कम उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से जो बॉक्सिंग फेडरेशन है और या जो उसके साथ कॉरपोरेट्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, जो बाकी उनकी जो सपोर्ट स्टाफ की टीम है या जो मीडिया है, वो उसको एक बड़ा ब्रांड बनाने और उसको सस्टेन करने में मदद करेगी। निखत नो डाउट इस पूरे टूर्नामेंट की पोस्टर गर्ल है, निखत का हर पोस्टर पे लगा हुआ है। आप उनके क्रिएटिव आर्ट डिजाइनर्स जो होते हैं, उनसे आर्ट डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि एक ही उनका फोटोग्राफ था जो उन्होंने पोस्टर में बनाया है, वॉर क्राई की तरह से वो दिख रही है। और निखत में स्टाइल है, ब्रांड है, मतलब बातचीत करना आता है, शेरो शायरी आती है, उनकी फैमिली की अपनी हिस्ट्री है, स्ट्रगल से सक्सेस की जो कहानी होती है वो सारा एलिमेंट स्टार का है। लेकिन एक और स्टार है जिसको कि हम लोगों को तराशना चाहिए, देखना चाहिए, और जो इसके जितने स्टेक होल्डर्स अगर उसको बनाते हैं तो बॉक्सिंग ओवरऑल एक बड़ा ब्रांड बनेगा इनमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत करीबी निगाह रखते हैं खेलों पर विमल मोहन, और ये एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए, तीसरा गोल्ड और चौथे गोल्ड की उम्मीद। अब से कुछ देर बाद लवलीना का मैच है, उम्मीद है भारत चौथा गोल्ड भी आज जीतेगा।